Hello everyone, welcome back to my channel Life Simplified by Sarika. आज हम ब्रेकफास्ट का बहुत इजी मेन्यू देखेंगे, मसाला इडली। सो रात की जब ऐसे इडलियां बच जाती हैं तो आप ये रेसिपी बना सकते हो। सो पहले मैंने इसे इडली के बड़े बड़े पीसेस करके लिए, अगर बहुत ज्यादा छोटे करेंगे तो उसके टुकड़े ही हो जाते हैं, इसलिए बड़े बड़े पीसेस बनाइए। ओके, फिर एक बाउल में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून के लगभग बैंगनी मिर्च, इससे रंग बहुत अच्छा आता है। फिर 1 टीस्पून डाला मैंने यहाँ पे शुगर, फिर 1 पिंच के लगभग, बहुत कम मैंने डाली है यहाँ पे, तीखी लाल मिर्च, क्योंकि हम तीखा बहुत कम खाते हैं। आप अगर ज़्यादा पसंद करते हो तीखा तो डालिए और। ओके, फिर डाला है मैंने हल्दी, फिर उसके बाद डाला है सॉल्ट, वो एज पर योर टेस्ट होता है। असाफोटिडा यानी हींग डाला है 1 पिंच। ओके, फिर मैंने जीरा को, 1 टीस्पून जीरा को क्रश करके डाला है इसमें, क्योंकि पाउडर मुझे पसंद नहीं है और पूरा जीरा डालेंगे तो वो दांत के नीचे आता है, इसलिए इसे क्रश करके डालिए, टेस्ट और ज़्यादा अच्छी आती है। फिर खट्टी इडली हमें पसंद है इसलिए मैंने डाला है 3 टेबलस्पून कर्ड। अगर आपको खट्टी नहीं पसंद तो कर्ड आप कम भी कर सकते हो, या तो आपको अगर खट्टी और मीठी टेस्ट पसंद है तो शुगर और ज़्यादा डालिए। ओके, फिर इसके ऐसे पेस्ट रेडी करके वो पेस्ट इडली के पीसेस में डालनी है, फिर बहुत हल्के हाथ से उसको मिक्स करना है। स्पून से मिक्स मत कीजिए वरना उसके बहुत ज़्यादा टुकड़े हो जाएंगे, हाथों से बहुत हल्के हल्के मिक्स कीजिए। ओके, और फिर अगर हम झोंक में सारे मसाले डालेंगे फिर ऊपर से इसे इडली डालेंगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती, इसलिए कर्ड में ऐसे मैग्नेट करेंगे इडली को तो वो बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाती हैं और टेस्ट भी काफ़ी अच्छी आती है। फिर इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए साइड में रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ओके, फिर यहाँ एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, उसमें डाल दिए हैं राई, एक्सट्रीमली सॉरी वीडियो थोड़ा लेट चालू हुआ है, देन उसमें जीरा बहुत कम डाला है, 1 टीस्पून से भी कम जीरा डाला है क्योंकि पहले भी जीरा डाला हुआ है इसलिए। ओके, देन कड़ी पत्ता, करी लीव्स डाले हैं, फिर उसमें हम डालेंगे हमारा जो मैग्नेट रेडी हुआ है इडली का वो, अभी इसको बहुत आराम आराम से चलाएंगे। अगर आप डाइट कर रहे हो तो भी आप ये रेसिपी अच्छे से खा सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई फ्राइड नहीं कर रही हूँ और मैंने तेल भी बहुत कम इस्तेमाल किया है। ओके, तो ये डाइटिंग के लिए भी अच्छी है, ब्रेकफास्ट के लिए रेसिपी, आप इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, या अगर आप इसे लंच में चाट खाना पसंद करते हो तो आप इसे लंच में भी खा सकते हो। फिर इसे आराम से इसे 1-2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, अभी मैंने जस्ट ये इसे निकाल के देखा है, ये हुई है अच्छे से, लेकिन मुझे और इसे स्टीम में थोड़ा सा कुक करने के लिए रखना है, फिर अब मैं इसे और एक बार ढक के रखूँगी। ओके, बहुत तेज़ नहीं चलाना है, बहुत आराम आराम से चलाना है, देखिए फिर भी उसके थोड़े छोटे छोटे पीसेस हो ही गए हैं, वो होते ही है। ओके, फिर उसे 1 या 2 मिनट के लिए और मैंने ढक के रखा है, अब देखिए अब ये हो गई रेडी। तो अब हम इसे सिर्फ एक बार और धीरे धीरे चलाएंगे, एंड नाउ दिस इज़ रेडी टू सर्व। अब मैंने यहाँ पे गैस बंद कर दिया है, नाउ दिस इज़ रेडी टू सर्व। आपको अगर ये रेसिपी, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड जब जब भी मुझे मौका मिलेगा तब मैं ऐसे रेसिपीज़ के वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।